मणिकर्णिका मूवी में रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले कर तारीफ बटोरने वाली कंगना रनौत अब 10वीं शताब्दी की जम्मू कश्मीर की रानी दिद्दा पर फिल्म बनाने वाली है। इस मूवी में वह रानी दिद्दा के रोल में नजर आएंगी। सूत्रों के मुताबिक वह भविष्य में भी ऐसी कई फिल्मों में आ सकती है जो भारत की गुमनाम महिला नायकों पर आधारित होंगी। आइए जानते हैं कौन है रानी दिद्दा। रानी दिद्दा का जन्म आज के दौर में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था। 10वीं शताब्दी में वहां हिंदू शाही वंश का शासन था जिसमें दिद्दा का जन्म हुआ था। दिद्दा की शादी कश्मीर के शासक अचेम गुप्त से हुई थी। राजा अपनी पत्नी के सौंदर्य से बेहद प्रभावित थे। कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर रानी दिद्दा काफी मजबूत थी। ऐसे में वह अक्सर उनकी सलाह लेते थे। इस तरह से राजा का एक नाम दिद्दा चेम भी पड़ गया था। यही नहीं, उनके नाम से चेम गुप्त ने सिक्के भी बनवाए थे जिन पर लिखा था दिद्दा चेम गुप्त देव। उस दौर में यह सोचना भी कठिन था कि कोई व्यक्ति खुद से पहले पत्नी का नाम जोड़ ले। हालांकि 958 में चेम गुप्त का निधन हो गया था और फिर शुरू हुआ दिद्दा की जिंदगी का वह कठिन दौर जिसके बाद वह एक मजबूत शासक के तौर पर उभरी। पति के निधन के बाद दिद्दा पर दरबारी दबाव डालने लगे कि उन्हें पति के साथ सती हो जाना चाहिए, लेकिन रूढ़ियों का विरोध करते हुए दिद्दा ने बेटे अभिमन्यु के लिए जीने का फैसला लिया और सती होने से इनकार कर दिया था इसके बाद दिद्दा के बेटे अभिमन्यु का राज तिलक हुआ और वह उसकी राज्य संरक्षक बनी थी। इस दौरान उन्हें राज परिवार राज दरबार की साजिशों का सामना करना पड़ा था। इनका सामना करते हुए रानी दिद्दा ने राज्य पर मजबूत पकड़ बना रखी थी। कलहड़ ने राजत रंगिणी में रानी दिद्दा की तुलना हनुमान से करते हुए लिखा है, जिस दिद्दा के बारे में दरबारी सोच रहे थे कि वह गाय की तरह सीधे चल भी नहीं सकती, उसने हनुमान की तरह समुद्र पार करके दिखा दिया।